गढ़वा और पलामू में पलायन एक त्रासदी के रूप में है। हर साल कमर बेच ऐसी घटनाएं घटती हैं जो मजदूरों के साथ घटित होती हैं। गांव में काम नहीं है, रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं मजदूर। अगर शहर में भी रोजगार नहीं मिलता है तो बाहर सुदूर प्रदेश में पलायन कर जाते हैं, जहां उनके पाले में रोटी से ज्यादा मौत आती है। पलायन कितनी बड़ी त्रासदी है अपने पलामू और गढ़वा की। नहीं देखिए, मैं कह सकता हूँ आज वर्तमान सरकार, देखिए लोग कहते हैं कि आप अननेसेसरी किसी पर आरोप क्यों मरते हैं, आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आज 40 मजदूरों की जो यहां पर दुर्घटना हुई है, कई लोग काफी गंभीर जिन्हें चोट आई है, जो गढ़वा सदर अस्पताल में जिनका इलाज नहीं हो सकता है वैसे दो लोग रेफर भी हुए हैं, और 38 लोग जो काफी इंजियर्ड हैं बेचारे तरस रहे हैं। और राज्य सरकार का यह दावा जो मैंने गांव-गांव में रोजगार लोगों को दिया है, गांव में मजदूरी देने का काम किया, पलायन करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अरे केंद्र सरकार ने तो मनरेगा जैसी योजना दिया है, अब मजदूरों को रोजगार अगर नहीं दे पाते हो पैदल चार दो 100 दिन का उनको बेकाम के मजदूरी भुगतान करो, और राज्य सरकार का यह ढकोसला या दुर्घटना उनका पोल खोलने वाला दुर्घटना है। हम कह सकते हैं कि जितना बड़ा ढोल उतना बड़ा पोल। ये सरकार पोस्टरबाजी की सरकार है, व्हाट्सएप वीडियो वायरल झूठ मूठ के प्रचार करने वाली सरकार है। और मैं एक बात और आपको कह सकता हूँ, अनराज घाटी आए दिनों वहां पर दुर्घटनाएं घटते रहती है। हम लोग विधायक हुआ करते थे, हम लोगों ने केंद्र सरकार से विधानसभा में प्रश्न करके उस घाटी को सीधा करने के लिए 15 करोड़ रुपया स्वीकृत कराने का काम किया है, केंद्र ने वो पैसा दिया है। चर्चा तो यहाँ तक है कि भाई उनके गुर्गे भैया जी के गुर्गे है भी ले भी मांग दिए ठेकेदार से, एक साल ठेकेदार काम नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है भी कमीशन का मांग हो गया, बेचारे मजबूर होकर के काम लगाए। हम कह सकते हैं अगर अनराज घाटी सीधा हो गया होता तो आज इस तरह की दुर्घटना से ये जो बेरहम मेरे बिना मतलब के जो 40 मजदूर घायल हुए हैं उनको बचाया जा सकता था। मैं वहीं के मनोज जी हैं, काफी सोशल बेचारे लड़का हैं, समाज सेवी हैं, मैंने इनको कहा है इन मजदूरों के घर के बच्चे आज रो इंतजार करते होंगे कि हमारी माँ हमारे पिताजी हमारे बड़े भाई कमा कर आएंगे, चावल प्याज लेकर के आएंगे, बेचारे को हो सकता है रात के खाना बिना उपासे सोना पड़े। मैंने इनको कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम लोग के तरफ से वैसे मजदूर वैसे पीड़ित के परिवार जिनके घर में दाने को लाले हैं जिनके घर में चावल नहीं है आप उनको चावल जरूर मुहैया कराइए। पता लगाइए मनोज भाई बीजेपी के बेचारे कर्मठ नेता है। बाकी मैं जरूर कह सकता हूँ कि सरकार का यह ढकोसला या पोल खोलने वाली यह दुर्घटना ये कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार को हम कह सकते हैं कि उनके गाल पर तमाचा है। अभी आप ऐसे ही देख रहे हैं राज्य सरकार का हाल बद से बदतर है। हम कह सकते हैं आज तो अस्पताल में हम मरीजों को देखने आए हैं, किस मुंह से आज गुलेल छाप वाले भी गढ़वा में आ रहे हैं, गढ़वा के गाँव गाँव में चले जा रहे हैं। अभी हाईकोर्ट ने भी उन्हें करारा तमाचा दिया, आज पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार आज सड़क पर आ गए, और यहाँ के मंत्री किस निर्लज्जता की बात कर कहते हैं कि सरकारी नौकरी थोड़े जरूरी है जी, मुर्गा के चूजा लेके पोसो, छोड़िए उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। आज मुख्य समस्या है ये जो यहाँ पर मरीज हैं 38 लोग हैं, इनका यहाँ इलाज चल रहा है, ऊपर वाले से कामना करते हैं बहुत जल्द स्वस्थ हो जाए, और भैया जी को भगवान सद्बुद्धि दे। ये गढ़वा है, ये कोई चाय बसा और बिहार नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। जिस तरीका से आपके द्वारा यहाँ पूरे गढ़वा रंग का विधानसभा को आपके द्वारा शोषण किया जा रहा है, कई लोग बालू केस में आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, प्रत्येक दिन हाईवे से उनके लोग गाड़ी बालू बेच रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और ट्रैक्टर से अगर कहीं बालू चुरा दिए तो भैया जी के कुछ चमचे पेट थानेदार स्टाफ हैं दौड़ के उनको पकड़ लेते हैं। छोड़िए उस पर ज्यादा विषय से विषयांतर हो रहा है, मैं ऊपर वाला से कामना करता हूँ जो भी इसमें प्रभावित लोग हैं जो भी दुर्घटना में आहत हुए हैं भगवान उनको जल्द से जल्द शीघ्र स्वस्थ करे, और वैसे परिवार को चावल देने का जिम्मा बीजेपी के नेता मनोज जी को मैं सौंपता हूँ कि उनके यहाँ जरूर हर घर में आज जरूर खाना बने चूल्हा जले, इस बात का ख्याल आप रखिए, या बियर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। सही बात है, नेक इरादे के साथ और नेक नियत के साथ ईमानदार प्रयास करके गाँव में काम उपलब्ध करना होगा उन मजदूरों को जो रोजगार की तलाश में शहर में आया करते हैं और यहाँ भी रोजगार नहीं मिलता है तो बाहर पलायन कर जाते हैं, जहां पुनः रोटी नहीं उनके पाले में मौत आती है। दीपक के साथ आशुतोष रंजन, इंदास न्यूज, सदर अस्पताल गढ़वा।